कोरोना काल 2021 से रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल की मर्चुरी में रखे लावारिस शवों को लेकर मेकाहारा हॉस्पिटल की PRO शुभ्रा ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल के बाद से यहां 3 लावारिस शव पड़े हैं जो मर्चुरी में रखे हुए हैं। इनके लिए किसी ने संपर्क नहीं किया, इसलिए ये लावारिस शव 2021 से रखे गए हैं। सरकार ने कोरोना से होने वाली मौतों और उनके अंतिम संस्कार के लिए दिशा निर्देश तय किए थे, इसलिए शव अभी भी शवगृह में रखे गए हैं। सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल के तहत हमने सरकार को सूचित किया था कि अंतिम संस्कार ठीक से किया जाना चाहिए। सरकार जो भी निर्देश देगी उसके अनुसार पालन किया जाएगा। तब तक सरकार जवाब नहीं देगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। कोरोना काल में जो 3 अनक्लेम्ड शव, कहने का मतलब यह है कि इनके लिए इनके कोई परिजन जो है वो उन्होंने चिकित्सालय स्तर पर संपर्क नहीं किया, न ही प्रशासन स्तर पर उन्होंने कोई संपर्क करने का प्रयास किया। तो ये जो 3 अनक्लेम्ड शव है वो हमारे यहाँ वर्ष 2021 से रखे गए हैं, और चूंकि इनके लिए इनके अंतिम संस्कार के लिए शासन ने उस समय कोरोना महामारी से डेथ होने पर उसके लिए गाइडलाइन तय करके रखा था शासन ने कि उस गाइडलाइन के अंतर्गत ही जो है वो उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो इस जो इनकी जो डेथ हुई थी उसके लिए हम लोगों ने शासन को पत्र लिखा था कि इनके अंतिम संस्कार हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें, और इस दिशा में लगातार हमारे द्वारा पत्राचार किया गया, परंतु जो है आज दिनांक तक इनका जो है अंतिम संस्कार नहीं हुआ, इसीलिए ये मर्चुरी में इनके शव रखे गए हैं। अभी क्या होगा मैम, जब तक एक नहीं मिलेगा शासन द्वारा तब तक इनका? हाँ देखिए, जैसे मैंने बताया कि इसके लिए उस समय जो है वो एक प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया था कि उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही इनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो हमने शासन को अवगत भी कराया कि इनका जो है ससम्मान विधि पूर्वक जो है वो अंतिम संस्कार किया जाए। तो अब जब शासन जो है वो निर्देश देती है तो उसी निर्देश के मुताबिक उसको फॉलो किया जाएगा। तो अभी क्या होगा मैम, पूरा कंकाल बदल गया होगा, कंकाल में शव बदल गया होगा? हाँ, तो जैसे इनको अलग से जो है बाकी मर्चुरी में अलग से इनको रखा गया है, और हमारे द्वारा भी इनका इंतजार किया गया है कि इनके कोई परिजन जो है वो संपर्क करें तो जिससे जो है शासन को सूचित किया जा सके करके, परंतु जैसे मैंने बताया कि अनक्लेम्ड शव है इसीलिए मर्चुरी में रखा गया है इनको। अगर शासन द्वारा रिप्लाई नहीं आता, जवाब नहीं आता तो क्या होगा? तो देखिए, शासन के द्वारा जब तक जवाब नहीं आएगा तो हम इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि शासन ने इसके लिए निर्धारित ही किया है वो SOPS जो है वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो निर्धारित किया है अंतिम संस्कार का, तो वही जब तक वो इस दिशा में हमको कोई, चूंकि नॉन MLC है, कहने का मतलब यह है कि मेडिको लीगल केस नहीं है, तो पुलिस के द्वारा भी इसमें कोई, जैसे पुलिस विभाग ने बताया कि कोई उचित इसमें हम नहीं कर सकते जब तक कि शासन की कोई अनुमति न मिले। ठीक।